जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के करा दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर है, इसे मैंने पूरा सॉल्व कराया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे मॉडल पेपर में जो प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न संख्या 3, यहां पर आप देखेंगे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आपको हिंदी अनुवाद करना होगा किसी एक गद्यांश का और उसका संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ लिखने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे आप बोर्ड परीक्षा में, और यहाँ पर जो प्रश्न आता है चौथे नंबर का या 24 नंबर का, इस तरीके से निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। कैसे आपको लिखना है संदर्भ मैं आपको क्लियर बता दूंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे प्रश्न संख्या यहां पर 3 है या 23 होता तो आपको क्या करना होगा, जब आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखोगे इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको हेडिंग क्या डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या। आप अच्छे से हेडिंग डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आपको अंक मिलेंगे। यदि आपकी राइटिंग थोड़ा सा भी गड़बड़ है, आपको लिखने का तरीका सही पता है, तब भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो प्रश्नोत्तर संख्या मॉडल पेपर के हिसाब से यहाँ पर 3, तो यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, 3। अब इसके बाद यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 का, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 3 का। इस तरीके से आप अच्छे से हेडिंग डालेंगे। इसके बाद आपको इसे अच्छे से क्या कर देना है, स्केल से आपको अंडरलाइन कर देना है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से आपको अंडरलाइन कर देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। और इसके बाद यहाँ पर भी आप इधर कॉपी के इधर आपको लाइन खींचनी है, इधर आप कोई भी लाइन मत खींचिएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डाल सकते हैं 3 का। इस तरीके से यदि खा वाले गद्यांश का आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखने जा रहे हैं तो 3 खा या 23 खा, इस जो भी होगा आपको ऐसे लिख देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी गद्यांश का यानी 3 का वाले गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो इसके शुरुआत के ये जो शब्द हैं और जो अंतिम के शब्द हैं, शुरुआत के शब्द क्या हैं, नागरिका बहुकालम, इस तरीके से काले पेन से आपको लिख देना है क्या, नागरिका। जो भी गद्यांश होगा आप उसी के अनुसार लिखिएगा, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं। तो नागरिका बहुकालम, यहां पर आप ध्यान देंगे नागरिका बहुकालम, ये हैं शुरुआत के शब्द। इसके बाद आपको इस तरीके से कर देना है, और अंतिम के शब्द क्या हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 10 रूप काण दत्तान, तो यहाँ पर मैं लास्ट में क्या लिख दूंगा, यहाँ पर दत्तान लिख दूंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दत्तान हो जाएगा। और इसके बाद आपको हेडिंग क्या डाल देना है, संदर्भ, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे अच्छे से संदर्भ, और इसे भी आप स्केल से अच्छे से अंडरलाइन कर देना। यहाँ पर आप जब ये चीज़ें करेंगे तो आपका जो है कॉपी देखने में आपकी अच्छी लगेगी, और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो आपको अच्छे मार्क भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना संदर्भ। तो चलिए संदर्भ क्या होगा, गद्यांश का संदर्भ कैसा लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा, तो यहां पर आपको लिखना है प्रस्तुत, इस तरीके से आप यहां से भी लिखना चाहें लिख सकते हैं प्रस्तुत। यहां पर क्या आपको लिखना पड़ेगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश या गद्यांश आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक, आप अच्छे से लिखिएगा हमारी पाठ्य और पुस्तक, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पाठ्य पुस्तक, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, तो हिंदी जब आप लिखिएगा काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा हिंदी, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है के हिंदी के संस्कृत खंड, इस तरीके से आपको लिख देना है संस्कृत खंड, संस्कृत खंड भी आप चाहें तो काले पेन से लिख सकते हैं, और इसके बाद आपको क्या लिखना है के अंतर्गत, संस्कृत खंड के अंतर्गत, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा संस्कृत खंड के अंतर्गत, पाठ का नाम क्या है, किस पाठ से लिया गया है, यह जो है गद्यांश यहाँ पर तीन का के अंतर्गत जो है प्रबुद्धो ग्रामीणा, तो पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, किस पाठ पेन से आपको लिखना है प्रबुद्धो ग्रामीणा, इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे प्रबुद्धो ग्रामीणा, और इसे भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख देना है, यानी पाठ का नाम भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना है, फिर इसके बाद आगे क्या लिखना है नामक पाठ से, नामक पाठ से, पाठ से उद्धृत है या आप लिख सकते हैं अवतरित है, तो ये हो जाएगा संदर्भ, बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखिएगा जिस भी पाठ का गद्यांश होगा, बस यहाँ पर आपको बदलना है जब श्लोक या पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है तो वो कैसे लिखना है, इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है हिंदी अनुवाद, काले पेन से आप अच्छे से हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, और इसे भी आपको क्या करना है अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप सेम यही तरीका अपनाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद आपको लिख लेना है, मैंने इसको पढ़ा दिया है, यदि आप वीडियो देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि अब आप यहां पर पद्यांश जो है, यहां पर दो पद्यांश हैं यानी श्लोक, आपको मैं बताऊंगा किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखने का तरीका, मान लीजिए आपको यहाँ पर जो चार का के अंतर्गत श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्, यदि आप इसका संदर्भ नहीं लिखना चाहते अथवा वाले का लिखना चाहते हैं तो आपको कैसे लिखना होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से आप हेडिंग क्या डाल देंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, फिर इस तरीके से चार, यहाँ पर चार है तो चार चौबीस होगा तो चौबीस, जो भी होगा आप उसी के अनुसार यानी पेपर के अनुसार यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पर मान लीजिए अथवा वाले का आपको संदर्भ लिखना है तो क्या लिखेंगे चार खा, चार खा, या अथवा आप लिख सकते हैं यहाँ पर मॉडल पेपर में खा लिखा है अथवा भी लिखा है तो आप खा लिख दें चाहे अथवा लिख दें, फिर इसे आपको अंडरलाइन कर देना है अच्छे से, आप ध्यान देंगे अंडरलाइन जरूर करिएगा और दो बार करिएगा इस तरीके से, जब आप ऐसा करोगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर प्रतीत होगा, और इसके बाद आपको क्या करना है इस पद्यांश का यानी जिसका भी आप संदर्भ लिख रहे हैं उसके शुरुआत के, यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं मरणम मंगलम, और अंतिम के शब्द क्या हैं केन नियते, तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा मरणम, मरणम मंगलम, इस तरीके से मरणम और क्या हो जाएगा मंगलम होगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे मंगलम, मरणम मंगलम इस तरीके से हो जाएगा, और अंतिम के शब्द क्या हैं इस तरीके से आप कर देना अच्छे से, और अंतिम के शब्द क्या हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे केन नियते, केन नियते, इस तरीके से आपको लिखना है मरणम मंगलम, और लास्ट के शब्दों को मैंने लिखा है केन मियते, तो जो भी पद्यांश होगा उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं चार खा, इस साइड में आप डाल दीजिएगा चार खा है तो खा अथवा है तो अथवा, इस तरीके से, फिर इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ, क्या हेडिंग आपको डालना है संदर्भ हेडिंग डाल देना है, और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप इसको भी क्या कर देंगे
अंडरलाइन कर देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आपको लिखना है संदर्भ। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत प्रस्तुत श्लोक आपको लिखना है। क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक आप लिखेंगे या पद्यांश भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। आप लोग ध्यान देंगे, जैसा मैंने यहाँ पर बताया है आप ऐसा ही लिखिएगा, हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, हिंदी, और इसे सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखिएगा। हिंदी के संस्कृत खंड, कौन सा खंड, संस्कृत खंड, चाहे तो आप संस्कृत खंड भी काले पेन से लिख सकते हैं। के अंतर्गत, के अंतर्गत, यहाँ आप ध्यान देंगे के अंतर्गत। फिर पाठ का नाम क्या है, किस पाठ से लिया गया है श्लोक, वाराणसी। तो पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। फिर इसके बाद वाराणसी नामक पाठ से, नामक पाठ से उद्धृत है, नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। इस तरीके से आप संदर्भ आसानी से लिख सकोगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी अनुवाद। और इसे भी आपको अंडरलाइन कर देना है, कैसे, इस तरीके से आप इसे भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, दो लाइनें आप खींचिएगा इस तरीके से, देखने में अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा संस्कृत गद्यांश का और पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखें 2024 की बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता दी है। तो वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।